आज हम स्वस्थ चतुष्क को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने आज ध्यान से यह अध्याय सुना, आज का डिस्कशन, और इसके अनुरूप 50% भी चीजें की, तो आई गारंटी यू ऑन बिहाफ ऑफ चरक कि आपकी 50% लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यस, आई मीन इट, लाइफ प्रॉब्लम्स, मे बी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एनीथिंग, ये आपको सॉल्व करने हैं। प्लीज टाइप इन द चरक बॉक्स। क्या लग रहा है आपको, जो मैंने बोला वो एग्जैजरेशन है और इज इट द ट्रूथ? यस, इफ ऑल एग्री टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन हमें बहुत शिद्दत से आता है समझना है और मेन उसे अप्लाई करना है। दिस अध्याय इज मोर ऑफ एप्लीकेशन रादर देन अंडरस्टैंडिंग। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं चरक क्लैरिटी ओशन के का जो फर्स्ट ग्रुप था, उनमें से बहुत सारी चीजें हमने की है और उसका अनुभव लिया है। और जो नए फैमिली मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि इस प्रकार से हम एक एक चीज को इकट्ठा करते चले जाएंगे। ओके, सो स्वस्थ चतुष्क की शुरुआत है। पहला जो भेषज चतुष्क था, जिसमें सब दवाइयां ही दवाइयां थी, जिसका प्रयोजन ये था कि एक बच्चा, नया बच्चा कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं किसी भी व्याधि को ट्रीट कर सकता हूँ, इतनी औषधियां मेरे पास है। उसको सक्षम बनाने के लिए, मेंटली उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए ये औषधियां दी थी पहले भेषज चतुष्क में। उसके बाद स्वस्थ चतुष्क की रचना की है भगवान चरक ने। उसके पीछे का मकसद ये है कि सिर्फ दवाइयां पे जीना, ये कोई जीना नहीं है, वास्तव में जीना उसका है जो धातु साम्य से जीता है, जिसकी धातुएं सम है, जिसके दोष सम है, जिसके मल सम है, और उस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का आचरण चाहिए उसके लिए, तो ये स्वस्थ चतुष्क की रचना उसके लिए की गई है। उसमें फिफ्थ अध्याय जो मात्रा शीतीय है और सिक्स अध्याय जो तस्य शीतीय है, ये अन्नमय कोष के लिए, आपका जो पांचभौतिक स्थूल देह है उसको स्थिर बनाने के लिए, उसकी धातुएं सम करने के लिए ये है। सेवंथ अध्याय जो है नवेगांड धारणीय है, जो कि आपके प्राणमय कोष को, आपकी जो सटल एनर्जीज है उसको एक्टिवेट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें उस अध्याय में बताई है। और एट अध्याय जो इंद्रिय उपक्रमणीय है, वो आपके विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष और आनंदमय कोष की ओर लिया गया है। यानी कि आपके पांचों कोष की शुद्धि यदि आप चाहते हैं, यानी कि आपके संपूर्ण शरीर, फिजिकल बॉडी, मेटा फिजिकल बॉडी, द एनर्जी बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, सबको यदि आपको हील करना है, तो इन चारों अध्याय का मर्म समझना होगा और तद अनुरूप हमें आचरण भी करना होगा। ओके, सो आर यू ऑल रेडी? टाइप हेल चरक इन द चैट बॉक्स सो वी कैन डिस्कस सम अमेजिंग थिंग्स टुडे। बिल्कुल शांति से, मस्ती से, आराम से बैठ जाइए, दीर्घ श्वसन करते रहिए। प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं तो प्राण मुद्रा में बैठिए। ऐसा मत सोचिए कि कुछ मुझसे छूट जाएगा, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ग्रहण कर दिए, बाकी का मार्क करके रखिए कि मुझे ये समझना है या पूछना है। डोंट ट्राई टू ग्रास्प ईच एंड एवरीथिंग, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना आराम से, मस्ती से समझ में आ रहा है उतना समझने की कोशिश कीजिए। वंडरफुल, सो एक्टिव यू पीपल आर, वंडरफुल। तो पहले चक्रपाणी की टीका ही देख लेते हैं। पहले ही पंचम अध्याय के पहले श्लोक पर ही टीका खूबसूरत दी है। आयुर्वेद दीपिकाकार कहते हैं, द्वितीयम इह शास्त्र प्रयोजनम यद आतुर व्याधि हरणम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च। पहले इसमें क्लियर कर दिया कि शास्त्र का प्रयोजन क्या है, आतुरस्थ विकार प्रशमन, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो पहला प्रयोजन हमने पहले भेषज चतुष्क में कर दिया कि कोई भी व्याधि हो तो उसके लिए जो दवाइयां है वहां पर मेंशन कर दिया। अभी द्वितीय प्रयोजन, जो मूलभूत प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, उसके बारे में इस अध्याय में यहाँ से आगे कहा जाएगा। थर्ड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य परिपालन हेतुषु मात्रावत अन्नम प्रधानम। जिस किसी को भी हम स्वास्थ्य कह रहे हैं, चरक जिसको स्वस्थ कह रहे हैं या सुश्रुत जिसको स्वस्थ कह रहे हैं, उसमें सबसे प्रधान क्या है, तो मात्रावत अन्नम प्रधानम। हेलो, इसको बिल्कुल कोर करके रख लीजिए आपकी दिल पर, मात्रावत अन्नम प्रधानम स्वास्थ्य परिपालन हेतुषु। यदि आपको स्वस्थ रहना है एट द लेवल ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, तो सबसे पहली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कौन सी करनी है, तो मात्रावद अन्न, अन्न मात्रा में खाया जाए। अब मात्रावद अन्न किसे कहते हैं वो आगे हम देखेंगे, लेकिन बेसिक बेसिक मोटे तौर पर आपको खाना अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना है हमेशा, मोटे मोटे तौर पर उसे मात्रावद अन्न कहते हैं। मान लीजिए आपको 100% भूख लगी हुई है तो आप 75% ही खाना खाएंगे, शेष जगह जो है वो वायु के लिए रखेंगे, उसकी मूवमेंट के लिए रखेंगे, इतना आपको खाना है। इसका दूसरा एक अर्थ ऐसा होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 स्पेशली, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ जाए या कोई भी पेशेंट आ जाए, तो एक सिंपल ट्रिक आपको बोलता हूँ, उसको बोलना है
कौन सा भी डिजीज का पेशेंट आ जाए अपार्ट फ्रॉम कार इश्यू, ओके, तो उस पेशेंट को आपको बोलना है कि आप दोपहर का खाना 75-70% ही करो, कम मात्रा में खाना खाओ। आपका भोजन होने के उपरांत भी आप 1-1.5 रोटी खा सकते हो, इतनी भूख आप में शेष रहनी चाहिए, उतना आपको खाना खाना है। और शाम का खाना जो है उसको संसर्जन क्रम का कोई भी आहार दो, जो व्याधि है उससे जो सिद्ध द्रव्य है उससे सिद्ध औषधि बनाकर उसमें से या तो आप यूष या तो फिर यवा को बनाकर उसे दे सकते हैं। ये भी आप करके देखिए तो बहुत फायदा आपके पेशेंट्स में होगा। एक काल का भोजन कराना है बृहत भोजन और दूसरा काल का भोजन लघु संसर्जन क्रम प्रदान का आहार। या पेशेंट का बल अच्छा है लेकिन व्याधि गंभीर है या व्याधि मध्यम बल का है तो एकाशन भोजनम आरोग्य कराणाम, एकाशन भोजनम सुख परिणाम कराणाम, इस प्रकार से कहा है। तो एक ही प्रकार का भोजन, एक ही टाइम, सिर्फ दोपहर में खाना खाना, शाम को कुछ भी नहीं खाना, लंघन करना, सिर्फ गर्म पानी पीना, इतने करने मात्र से बहुत सी व्याधियों में आपको उपशम मिल सकता है। अब आते हैं थर्ड श्लोक पर, मात्रा शिष्यात् आहार मात्रा पुनः अग्नि बलापेक्षी। इसमें क्या कहते हैं, मात्रा अर्थात मात्रा युक्त अन्न खाने का जिसका स्वभाव है वो मात्राशी है, अथवा मात्रा से खाने का जिसका स्वभाव है वो पुरुष मात्राशी है। तो मात्राशी किसके लिए विशेषण है, पुरुष के लिए। मात्राशी स्यात् उस पुरुष को जो मात्रा में खाना खाता है उसे मात्राशी कहते हैं। और ये जो भी कोई आहार मात्रा आपकी रहेगी वो किसकी अपेक्षा करती है, अग्नि बलापेक्षी, आपकी जठर अग्नि के बल की अपेक्षा से ही आपको मात्रा में खाना खाना है। अब इसका जो डिटेल वर्णन किया है कि अमात्रा किसे कहते हैं, यानी कि हीन मात्रा क्या है, अति मात्रा क्या है, तो ये त्रिविध कुक्षीय अध्याय में दिया गया है, जो कि चरक विमान स्थान सेकेंड अध्याय में है। तो आज जाकर आप वो पढ़िएगा, मेरा एक रिसर्च पेपर है उसके ऊपर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा बाद में, कि मात्रा वक्त आहार मतलब क्या, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लक्षण दिए हैं। कुक्षेर अपीड़न अप्रपीड़नम, कुक्षी में पीड़ा न होना, खाते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, हंसते वक्त आपको कोई दर्द न होना, सुबह का खाना शाम तक जीर्ण हो जाना, शाम का खाना सुबह तक जीर्ण हो जाना, हृदय में प्रदेश में गौरव की प्रचिति न होना, इस प्रकार के जो लक्षण दिए हैं उस वो मात्रावत आहार के लक्षण है। इसका मतलब आपको ये लक्षण निर्माण हो जाए तो समझना कि ये मात्रावत खाने के लक्षण है। ये लक्षण दिखने लग जाए, ये लक्षण ना दिखे उसकी तकलीफ होने लग जाए, तो समझना ये अमात्रा आपके शरीर में जा रही है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट श्लोक जो अगेन चरक विमान स्थान में आया है कि न च मात्रावत अभ्यरुता, सिर्फ मात्रा में खाना खाना इससे ही आपका आहार पचन नहीं होना है, तो चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजा कर गई। ये उन्होंने बताया है कि यदि आप चिंता भय शोक क्रोध इसकी वजह से ये यदि ये फैक्टर्स है आपके आयुष्य में तो उससे मात्रा में खाया हुआ अन्न भी अजीर्णकारी होता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि प्रसन्न चित्त से खाना है, प्रसन्न मन से खाना खाना है, कोई भी चिंता नहीं रखनी है, कोई शोक या भय के हेतु है तो उसे पहले दूर रखने हैं, तो ही वह मात्रावत आहार जो है वो आपके लिए काम करेगा। और ये आपको आपके पेशेंट को जरूर समझाना है। पहले 10 मिनट 15 मिनट की काउंसलिंग आपको सिर्फ उसके डाइट के ऊपर फोकस करने देनी है कि भाई बंधु आप समय पर खाना खाओ, चबा चबा के खाना खाओ, खाना खाते वक्त घूट घूट के पानी पियो, ज्यादा पानी मत पियो, चिंता भय शोक मिटाने के लिए मेडिटेशन करो, ओमकार का उच्चारण करो, इस प्रकार से सिंपल 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 बातें भी आप उसे बताते हो तो बहुत सारा उपशय उसको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी कोई गलती आहार में है तो मात्रा की गलती है, एज पर भगवान चरण, ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, इसकी वजह से बहुत सारी व्याधियां होती है, और बाकी के तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें है ही। अकेन बहुत सुंदर बात कही है श्लोक नंबर 6 में लास्ट लाइन में, अन्यत्र व्यायाम अग्नि बलता, ऐसा श्लोक आया, व्यायाम कृतम अग्नि बलम व्यायाम अग्नि बलम। इसका मतलब यदि आपका यदि कोई व्यक्ति व्यायाम करती है और उसकी वजह से उसका अग्नि बल अच्छा है तो थोड़ा सा मात्रा में गड़बड़ भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब यहाँ पर व्यायाम का इंपॉर्टेंस समझाया गया, हर एक व्यक्ति को व्यायाम करना ही चाहिए, प्रोवाइडेड उसके जो व्यायाम के अनर्हण रोग है रुग्ण है उसको छोड़कर हर एक व्यक्ति को व्यायाम करना ही चाहिए। तो व्यायाम कौन सा करना चाहिए, इसमें बहुत वैरायटी है, बट द बेस ऑफ एनी व्यायाम इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के जैसा वंडरफुल कोई व्यायाम नहीं है, और शुरुआत 3 से करनी है। यदि आप व्यायाम करते नहीं है तो 3 सूर्य नमस्कार से लेकर 5, 7, 9, 11 तक बढ़ाना है, और फिर जितनी आपकी उम्र है उतने आप सूर्य नमस्कार डाल सकते हो। मान लीजिए आपकी उम्र 30 ईयर्स है तो आप 30 सूर्य नमस्कार डाल सकते हो, लेकिन कैसे, क्रमत क्रम ही, शनै शनै ही, शुरुआत 3-4 से करनी है और धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने तक 30 सूर्य नमस्कार तक आ जाना है, और फिर दिन भर में, और फिर बाद में 30 कंटिन्यू करना है, हमेशा के लिए 30 30 30 ही व्यायाम सूर्य नमस्कार आपको डालने हैं। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार जैसा वंडरफुल व्यायाम आप कर सकते हैं।
व्यायाम से क्या होता है, तो दोष क्षय अग्निवृद्धिश्र व्यायामाद उपजायते। हेलो, दोष क्षय अग्निवृद्धिश्र व्यायामाद उपजायते। व्यायाम से दोष क्षय तो होता है, अग्निवृद्धि कैसे होती है कौन बताएगा? व्यायाम से अग्निवृद्धि होती है, मतलब क्या होता है, क्यों होता है या कैसे होता है? सर मैं बताऊं? यस मैम, आपका नाम क्या है? सर डॉक्टर अमन, अमन। यस मैम, प्लीज बताइए। सर अग्नि का तो मैं बता सकती हूँ कि सर व्यायाम से उष्णता आती है शरीर में, और सर जो दिनचर्या में भी पहले बताया गया है कि पहले हमें व्यायाम करना चाहिए, बाद में कुछ अन्न ग्रहण करना चाहिए, तो उष्णता से अग्नि का दीपन होता है, तो सर शायद इसीलिए अग्नि का दीपन होता है, इसीलिए सर वो व्यायाम को ऐसा बोला गया। राइट, यस, गुड अटेम्प्ट, नाइस। और एक मैं आपको थोड़ा सा मॉडर्न पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, है ना? जी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का इजी, आप सबको पता है, व्यायाम करने से ग्लूकोज का कंबशन होता है कि नहीं, अंदर एनर्जी लिबरेट यस होने के सर, लिए। तो यस दो सर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अगर आपस में मिल जाए तो क्या आउटपुट आएगा? मतलब मैं रिएक्शन पूछ रहा हूँ आपको, चेन रिएक्शन, C6H12O6 + C6H12O6। यस, क्रेब्स साइकिल, निधि मैम ने बताया, राइट। ये दोनों साथ में आ जाए तो क्या इज इक्वल टू डैश, C6H12O6 + C6H12O6, क्या तैयार होगा? वाटर नहीं सर, क्या लिबरेट होगा? C12H22O11 + H2O, राइट, यस एंड सर, प्लस एटीपी, प्लस एटीपी विल बी जनरेटेड। तो व्यायाम करने से जैसा कि आपने कहा उष्णता जनरेट होती है, तो कैसे होती है? एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर, चेन रिएक्शन में, समझ में आया? एक जी वाटर का सर, मॉलिक्यूल, यस, निकल गया बाद में, मतलब क्या, एट द लेवल ऑफ सेल त्यक्त द्रवत्व आ रहा है, जो कि पाचक पित्त में बताया ना, पाचक पित्त का स्वरूप क्या है, अग्नि का अभिव्यक्त होता है जब त्यक्त द्रवत्व आता है, जब कोई द्रव गुण कम हो जाता है तब अग्नि अभिव्यक्त होता है। तो इसी तरीके से व्यायाम से हर एक सेल्युलर लेवल का जो कचरा स्वरूप वाटर मॉलिक्यूल है, या जो प्रक्रिया किया हुआ वाटर मॉलिक्यूल है, उसका कंबशन होता है, एटीपी जनरेट होती है, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे बहुत सारे लाखों वाटर मॉलिक्यूल्स पूरे शरीर के अंदर के लिबरेट हो जाते हैं, मतलब त्यक्त द्रवत्व आ जाता है, तब अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब व्यायाम से जठर अग्नि, भूताग्नि, धातुअग्नि सभी में सम्यक वर्धन होने में उसकी मदद होती है। हेलो मैम, मैं आ ओके सकता सर, हूँ? सो देखिए, व्यायाम कितनी कितनी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। आज से हम दो चीजें कंपलसरी करेंगे और अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में लिखेंगे उसे, एक है मात्रा शिष्यात और सेकंड है व्यायाम। जितना आपको आता है, भले एक सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करो, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे उसने एक सूर्य नमस्कार करना 3 4 5 दिन के लिए, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके, सो डू दैट डे एवरी डे। दो चीजें अकाउंटेबिलिटी ग्रुप पर, मात्रा शिष्यात एंड सूर्य नमस्कार, आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये भगवान चरक का आदेश है, राइट। इसके बाद कुछ नित्य सेवनीय द्रव्य उन्होंने दिए, ये हमें ध्यान में रखना है कि हम इन द्रव्यों का इस्तेमाल करें हमारे खाने में भी और हमारे पेशेंट को भी। तो उसमें सबसे पहला नंबर आया है षष्ठी शाली का, इसलिए मैं षष्ठी शाली आपको यूज करना है, बहुत जगह पर अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, केरल के कोई फ्रेंड होंगे तो आपको मंगवा के दे सकते हैं। षष्ठी शाली, षष्ठी चावल, शाली चावल, मुद्ग, सैंधव, अमल, कैयवाण, अंतरिक्षम, पय, सर्पी, जांगलम, मधु, अभ्यास। सर्पी और मधु, इसका भी हमें अभ्यास करना है आगे जाके। उन्होंने बताया थोड़ा सा हम अगर अनागतावेक्षण, अनागतावेक्षण मतलब इसी अध्याय का अनागतावेक्षण करते हैं आगे जाके। अंजन, ये सबसे प्रधान उपक्रम बताया है, जैसे सबसे आहार की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट था मात्रा शिष्यात्, वैसे उपक्रम के हिसाब से दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट उपक्रम है अंजन। वो हम देखेंगे क्यों, लेकिन यहाँ पर दो द्रव्य दिए गए हैं, सर्पी और मधु, ये नित्य हमें खाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर तीन चीजें ऐड कर देता हूँ आपके लिए, वेरी सिंपल, नित्य सेवनीय, सर्पी, मधु एंड त्रिफला। इस पे
सर्पी आप ले लीजिए 100 ग्राम, मधु ले लीजिए 200 ग्राम, एंड त्रिफला ले लीजिए 100 ग्राम। इसको मिक्स करके रखना है और रोज 1 चम्मच रात को सोने के पहले आपको खाना है। रात को क्यों खाना है? तो उड़ो जत्रुगत कोई भी विकार हो तो स्वप्न काले प्रशस्ते, उसके लिए लेना है। और ये जो कॉम्बिनेशन है सर्पी मधु, उसमें सर्पी मधु ये नित्य सेवनीय भी है, और त्रिफला जो है नेत्र को बल देता है, और भगवान चरक के हिसाब से शुरुआत जो है उपक्रम की वो अंजन से की गई है। चक्षु प्रधानम सर्व इंद्रियाणाम ऐसा आगे जाकर कहा गया है। उसको बल देने के लिए कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, या तो आप रेडीमेड त्रिफला ग्रुत और मधु ऐसा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। त्रिफला ग्रुत बहुत सारे कंपनीज का आता है, राजसन कंपनी का एक आता है, वो भी आप ले सकते हैं। त्रिफला ग्रुत प्लस मधु रात में सोते वक्त HS, राइट। इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। ओके, अभी देखिए चक्रपाणि टीका हमें हमेशा पढ़नी है बीच बीच में से। क्यों पढ़नी है? क्लिनिकली भी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे हमारी बुद्धि को भी वो तैयार करता है। पेशेंट काउंसलिंग करने में भी ये टीका का जो एग्जाम्पल देते हैं, किसी चीज को बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर टीका, उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। 13 नंबर का श्लोक है, तच्च नित्यम प्रयुञ्जित स्वास्थ्यम ये न अनुवर्तते अजातानाम विकारानाम अनुत्पत्ति करण चाहिए। इसमें लाइन नंबर 5 चक्रपाणि टीका की, यथा दीप परिपालनम स्नेहवर्ती दानात पोषणेन क्रियते तथा शलभ वातादिर निर्वापक हेतु परिहारेण च। जिस प्रकार दीप की रक्षा स्नेहवर्ती दान के पोषण से, एक दिया आपने लगाया है तो उसको उसका अगर आपको रक्षण करना है तो बार बार उसमें स्नेह डालना होगा। यथा दीप परिपालनम स्नेहवर्ती दानात पोषणेन क्रियते तथा शलभ वातादिर निर्वापक हेतु परिहारेण, और उसको बाकी जो शलभ वातादि जो बुझाने के कारण है उनको आपको परिहार करना पड़ेगा। वो वायु से उसको एग्जैक्ट बहुत ज्यादा वायु से उसको बचाना पड़ेगा और निरंतर आपको स्नेह डालना पड़ेगा, तभी जाके वो दीपक जो है वो जलता रहेगा। ठीक उसी तरह शरीर प्रत्यवाय हेतुश्चर द्विविधा बुद्धि दोषाद विषम शरीर न्यास आदि वातादि कारका दुष्परिहार काल विशेषा स्वभावादि हेमंतादि कफचयादि कारक। ठीक उसी तरह शरीर के प्रत्यवाय शब्द आए, प्रत्यवाय मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ से लिया है। प्रत्यवाय यानी पाप या वैपरीत्य विघ्न, शरीर को विघ्न वाले कौन से हेतु है? दो ही हेतु है, एक है बुद्धि दोष यानी कि प्रज्ञा अपराध से विषम शरीर अन्यास आदि जो वातादि कारक है, प्रज्ञा अपराध की वजह से जो वातादि कारक है, और दूसरा है दुष्परिहार्य जो काल है जो टाला नहीं जा सकता, मतलब हेमंतादि काल विशेष, हेमंत में कफ का क्षय होना ही होना है, आप कुछ भी कर लो, तो ये काल का जो हेतु है। और दूसरा प्रज्ञा अपराध, ये दो हेतु जिस प्रकार से है वैसे ही दीप के बारे में उन्होंने बताया गया है। तो पहला जो हेतु बताया था उन्होंने, एग्जाम्पल दिया था कि दीप में स्नेह को आपको डालते रहना है, इसका मतलब क्या है कि स्वस्थ वृत्ति के लिए जो अपेक्षित चीजें वो आपको नित्य करते रहनी है, घृत का सेवन, मधु का सेवन, मुद्ग अमलक सेंधव का सेवन, ये सब करते रहना है। और सेकंड जो एग्जाम्पल दिया था कि उसको वायु आदि से आपको बचाना है, तो आपको अजातानाम विकारानाम अनुत्पत्ति करम तो, जो विकार हुए ही नहीं है वो आपको अगर रोकने हैं तो आपको प्रज्ञा अपराध से बचना है, ये उसका मुख्य हेतु है। ये उस इस तरीके से इस श्लोक को समझाया गया है एग्जाम्पल के थ्रू। तो अजातानाम इत्यादि ना स्वास्थ्य विघातक हेतु परिहारम आह, देखते हैं स्वास्थ्य के विघातक हेतु का परिहार बताया गया है। एग्जैक्टली हाँ, जैसे मैंने बताया। ठीक है, इतना होने के बाद 14वें श्लोक से वो आते हैं प्रधान उपक्रम। तो सबसे पहले अंजन है, हम रोज अंजन कर सकते हैं, वेरी सिंपल। एलनीर कुजंबू करके मार्केट में मिलता है, उसका आप कर सकते हो। सिंपल मधु का अंजन आप कर सकते हो। टीका में भी कहा है 3rd लाइन में, चक्षु प्रधानम सर्वेशम इंद्रियाणाम विदुर्बुधाना, चक्षु सबसे प्रधान इंद्रिय है इसलिए वहां पर उसको अंजन करना है, चक्षुरेंद्रिय को आपको तर्पित करना है ठीक तरीके से। बाकी तो आप डिटेल जानते हैं, नित्य सोव्यंजनम करना है, रसांजन करना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये मिलता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकली आप जो मिलता है मधु या एलनीर कुसुम उसका आप यूज कर सकते हैं। आगे जाके श्लोक नंबर 19 में चक्रपाणि टीका ने यह भी कहा है कि अश्चोतनम नेत्र विरेकार्थम द्रव औषध प्रधानम, द्रव औषध दानम तच्चयेन अभिहितम अपि फल ऐक्याद अभिहितम। यदि आप अंजन नहीं कर सकते तो आप अश्चोतन भी कर सकते हैं, फल ऐक्याद अभिहितम, इन दोनों में भी इनका फल एक ही होता है, इसलिए आप अश्चोतन भी कर सकते हैं। बहुत सारे आइटोन आइटिस आदि ड्रॉप्स मिलते हैं, उसका अश्चोतन आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि आप या तो एलनीर कुजंबू यूज करो या तो फिर मधु का यूज करो, प्लेन मधु या तो जीर्ण मधु, 1-2 साल का पुराण मधु उसको भी आप यूज कर सकते हैं।
रोज रात में सोते वक्त आपको नेत्र के इर्द गिर्द, नेत्र के बाहर महाकल्याण अमृत का सिर्फ अभ्यंग करना है, सिर्फ लेप लगाना है महाकल्याण अमृत को, नेत्र के बाहर से और नेत्र के नीचे। इसको भी आप नित्य यदि अभ्यंग जैसा करते हो नेत्र के इर्द गिर्द, तो उससे भी आपका चक्षुरेंद्रिय का सम्यक दर्पण होने में मदद होती है। अब अंजन के कितना बड़ा बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उसको प्रधान उपक्रम बोला है, तो उसको कितने फायदे हो सकते हैं आप सोच के देखो। नित्य अंजन करने से रसमल जो कफ है उसका निष्कासन होता है। यदि आप तीक्ष्ण अंजन आप लगाते हो तो 3 4 5 मिनट तक खराब कफ जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। रसमल कफ के निष्कासन की वजह से जो क्लेद बाहुल्य है, जो सिरा है, वहां पर क्लेद से व्याप्त होती है दिन ब दिन, उस क्लेद में से वो क्लेद निकलना शुरू हो जाता है। वो क्लेद निकलने की वजह से और रक्त की क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से आपकी आलोचक अग्नि भी स्ट्रांग हो जाती है। और आपकी आलोचक अग्नि स्ट्रांग हो जाए तो यू कैन ग्रास्प एवरीथिंग बाय पारायण भी। जो भी चीज आप देखते हो, आपने लूसी पिक्चर देखा है? लूसी मूवी किसने देखी है? यस, वेरी नाइस, स्नेहा मैम ने देखी है, संध्या मैम ने देखी है। उसमें क्या होता है बेसिकली, धीरे धीरे उसका बुद्धि का लेवल बढ़ता चला जाता है। पहले 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 उसको क्या होता है, जब वो सिद्धि प्राप्त होने लगती है, जब जब वो ड्रग उसके शरीर में इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी आलोचक अग्नि स्ट्रांग हो जाती है। वो किसी को भी देख लेती है तो उस चीजों को ग्रास्प करना शुरू कर देती है, राइट। साधक पित्त का डोमेन बढ़ जाता है, दूसरे लोगों की सब चीजें समझ में आने लग जाती है। फिर धीरे 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 एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है वो, और अंत में ऐसा बताया कि वो इनफाइनाइट टाइम में या स्पेस में चली जाती है और गायब हो जाती है। तो उसकी जो शुरुआत की स्टेज है बुद्धि की, वो आलोचक अग्नि का डोमिनेंस है। आलोचक अग्नि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि जो विषय उसके सामने आ जाएगा उसको ग्रहण कर लेती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इतनी रीच हमारे द्रव्य की हो सकती है। यदि आप नित्य अंजन करो या नित्य पारायण करो, धीरे धीरे आप में भी वैसी सिद्धि प्राप्त होने लग जाती है। मैं ये नहीं कहता कि आप वैसे लूसी की तरह हो जाओगे, लेकिन एक अलग स्तर की अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से काफी हद तक अच्छी होती है। दिस कैन हैपन बाय जस्ट बाय यूजिंग आर उपक्रमास एंड सिंपल पारायण। इसके मेथड से भी आपका जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है या अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है। ओके, राइट, अमेजिंग। इन द चैट बॉक्स एक समथिंग नया या मजेदार आपको सुनने में मिला है तो। बार बार बुलवाता हूँ मैं आपसे ताकि आई फील दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी। यस, ओके। फिर इस अध्याय से आप आज क्या कीजिएगा, क्रम लिखिएगा, कौन से क्रम से कौन सा उपक्रम आया है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ अभी ही, फिर भी आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट अंजन आया है, फिर सेकंड क्रम पे धूमपान आया है। धूमपान भी धूमवर्ती बनाना बहुत आसान है। ओके, धूमवर्ती मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, कोई बाद में शेयर कर सकता है आपके साथ कि धूमवर्ती कैसे बनाना है। सिंपल, आप रोज धूमपान भी कर सकते हैं 3 4 5 बार। ये क्रम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले अंजन है जिसे कफ का विकृत कफ का निष्कासन हो जाएगा, फिर धूमपान है जो अंजन की वजह से खराब कफ थोड़ा बहुत नीचे आएगा नाक के एरिया में, उसको धूमपान निकाल देता है। 3 नंबर पे नस्य है, अभी स्रोतोरोध मिट गया है अंजन की वजह से और धूमपान की वजह से। अभी जो भी आप नस्य करोगे तो नासा ही शिरसो द्वारम, तो वो नाक की दवाई शिर तक पहुंचने में मदद करेगी। क्रम देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस क्रम में हम जाते हैं तो नासा ही शिरसो द्वारम, 2 बूंद भी नस्य के इफेक्टिव हो सकते हैं। वो भी आपके इंद्रियों को तर्पित करता है, मतलब अगेन वो लूसी वाली थिंग जो उन्होंने आईवी ड्रग्स देकर की है, वो हम अंजन धूमपान नस्य इसको निरंतर देने से वो चीज हमें अचीव हो सकती है। अगेन दिस इज अ हाइपोथेसिस, लेकिन ऐसे बिल्कुल हो सकता है। तो अंजन धूमपान नस्य हो गया, उसके बाद दंत धावन, उसके बाद भी जो खराब कचरा कफ जो हमारे मुख में था उसके लिए दंत धावन किया है, फिर बाद में जिह्वा निर्लेखन किया है, उसकी भी टीका अच्छी है जिह्वा निर्लेखन की, कि जिह्वा मूलगतम यच्चम मलम उच्छ्वास अवरोधी च दुर्गंधिम भजते तेन। जिस मल के कारण जिह्वा मूलगत कुछ मल होता है, वो मल उच्छ्वास के स्वरूप में दुर्गंध पैदा करता है, तो उस मल को निकालने का काम जिह्वा करती है। और उच्छ्वास ठीक हो गया तो अपने आप प्राणों का नियंत्रण सही हो जाता है, आपका प्राणवायु अंदर से सही काम करने लग जाता है। और जिसका प्राण पे नियंत्रण अच्छे से होने लग जाता है, उसको बहुत सारी सुंदर चीजें उसके लाइफ में होना शुरू हो जाता है। अगेन दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, वो हम बात कला कलिए में देखेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे आता है नित्यम स्नेहार्द्र शिरसा, नित्य अपने शिर प्रदेश में आपको स्नेह लगाना ही लगाना है। अभी आज फैड ऐसा आ गया है कि हम स्नेह लगाते ही नहीं है, या ऑयल विरहित कुछ तेल मिलता है
जिसमें स्नेह तो ही नहीं है, स्नेह भाव ही नहीं हो, तेल कैसे हो सकता है? तो स्नेह आपको लगाना है, कहाँ पर लगाना है? तो तालू पे लगाना है, मूर्त प्रदेश में लगाना है, या पूरे सर को भी आप बीच में हफ्ते 2 हफ्ते में लगा सकते हैं। स्नेह दोस्तों बहुत कम हो चुका है, फिर वो मानसिक स्नेह हो या शरीर स्नेह हो, खाने में भी हम स्नेह नहीं लेते हैं, शरीर को भी स्नेह नहीं लगाते हैं, और मन में भी एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है। तो इतना स्नेह यदि चला जाए तो फिर कैसे जिंदगी बीतेगी? प्यार से, मोहब्बत से, इश्क से नहीं बीत सकती। उसके बाद आता है, सॉरी सॉरी मैंने क्रम कुछ गलत बोल दिया, जीवा निर्लेखन के बाद 6 नंबर पे तांबुल सेवन है। तांबुल सेवन से अगेन आप देखिए क्रम कैसा है, पूरा कफ का निष्कासन कर दिया है ऊपर से मार्ग से, फिर बचा कुचा जो खराब कचरा नीचे फिर भी चला जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो तांबुल सेवन से मिट जाएगा। उसके बाद तैल गंडूष की बात की है, अभी सब खराब कफ चीजें निकल गई है, अभी हमें मजबूती देनी है, किसको? दांतों को और मसूड़ों को मजबूती देनी है, इसलिए फिर तैल गंडूष है। उसके बाद में 8 नंबर पे नित्य स्नेहार्द्र शीर्षा स्नेह लगाना है, फिर 9 नंबर पे कर्ण तर्पण है, उसके बाद अभ्यंग है, फिर पादाभ्यंग है। पादाभ्यंग तो आप जानते हैं अगेन चक्षु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यदि आपको आलोचक अग्नि आपकी अच्छी करनी है और चक्षु अच्छे करने हैं, क्योंकि हमें चक्षु का बहुत बड़ा रोल है, आज हम बहुत ज्यादा एक्सपोज है चक्षु चक्षुरेंद्रिय के, उसको अगर बल देना है तो नित्य पादाभ्यंग करना और एक सिंपल अंजन जैसे जैसा कर्म और महागुरु महाकल्याणक गुरु जैसा बाह्य अभ्यंग करना, ये सिंपल 2-3 चीजें आप कर सकते हैं। फिर 12 नंबर 13 नंबर पे स्नान उद्वर्तन करने के लिए बोला है, 13 नंबर पे स्नान करने के लिए बोला है। इस प्रकार ये 13 इंपॉर्टेंट चीजें इस अध्याय में एज अ पार्ट ऑफ दिनचर्या आई हुई है। आवाज आ रहा है ठीक से? ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रहा है ठीक से? पान आप में से कितने लोग खाते हैं? तांबुल सेवन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन डू दिस सिंपल थिंग। एक नागवेल का पत्र, उसमें थोड़ी सी इलायची, कंकोल मिलता है तो कंकोल, नहीं तो इलायची और कर्पूर, भीमसेनिक कर्पूर, ये डालकर रोज आप दोनों खाने के बाद पान खा सकते हैं, यदि आपकी पित्त प्रकृति ना हो तो। एक त्रयोदश गुण तांबुल आया हुआ है धन्वंतरी निघंटु में, किसको पता है? आज पढ़ना हो उसमें क्या क्या है और उसकी फलश्रुति क्या है। ओके, तो सिंपल इलायची कर्पूर, लौंग डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, लेकिन चरक में जो बताया है उसमें से, उसमें सिर्फ कर्पूर है, इलायची है, कंकोल है, सुपारी है, लता कस्तूरी का फल है, लौंग है, जायफल है, इसको आप डाल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट अरुचि के आते हैं हमारे पास, रुचि नहीं होती है, तो इसमें भी रुचि लाने के लिए अंजन से लेकर सब उपक्रम तो है ही, लेकिन डायरेक्टली कोई रुचि का नाश करता है तो वो तांबुल जैसा द्रव्य है। उसके बाकी का पढ़ लेना, इट्स वेरी वेरी इजी। निरुपमा ने क्या बताया? नागबली प्लस मरीच स्रोतो शोधनम उत्तमम। अरे वाह, वेरी नाइस, इसका रेफरेंस भी बता देना या बाद में बताना ग्रुप के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 103। नाउ ये इसको ध्यान से पढ़ेंगे अभी हम। नगरी नगरस्ते एव, ये मेरे लिए चरक चेरी फॉर द डे है, ये आपके लिए कोई अलग हो सकता है, वो आपको उम्मीद है अंडरलाइन करके रखा होगा। नगरी नगरस्ते एव रसस्ते एव रसीयता स्वशरीरस्ते मेधावी कृतेषु अवहितो भवेत्। अभी इसको हम अन्वय लगाएंगे। यथा नगरी नगरस्ते इव, जिस प्रकार नगर का स्वामी नगर की रक्षा में, यथा नगरी नगरस्य इव रथी रथस्य इव, रथ का स्वामी रथ की सार संभाल में, नगरी नगरस्य एव रथी रथस्य इव, तथा ठीक वैसे ही मेधावी स्वशरीरस्य, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने शरीर के स्वशरीरस्य कृतेषु कृत्यों को पूर्ण करने में अवहिताः भवेत्। अवहिताः भवेत्, अवहित मतलब क्या? दक्ष होकर उस वो सभी कामों को करता है। ये उदाहरण कितना सुंदर दिया है, देखो उन्होंने, जिस प्रकार से नगर का स्वामी नगर की रक्षा में और रथ का स्वामी रथ की रक्षा में हमेशा सावधान रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी शरीर की रक्षा में और कृत्यों को पूर्ण करने में सावधान रहे। उदाहरण इतना सुंदर देते हैं ना कि वह दोनों के लिए होता है, मंद बुद्धि के लिए भी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए भी। हम तीक्ष्ण बुद्धि भी है और मंद बुद्धि भी है, अभी हमारा तीक्ष्ण बुद्धि को ऑन कर लेते हैं। नगर के दृष्टांत से आंतरिक विघ्न के हेतु को नष्ट करने वाले
विघातकारी कर्म उनका निर्देश किया हुआ है। नगर के दृष्टांत, नगर का दृष्टांत क्यों दिया है, तो आंतरिक विघ्न के हेतु। आंतरिक विघ्न के हेतु क्या है, हमारे शरीर को कौन बाधा करता है, तो हमारा आलस्य, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब उसको बाधित करते हैं। तो जिस प्रकार से एक नगर ही अपने नगर की रक्षा करता है, और जिस प्रकार एक नगर को, एक सिटी को सबसे ज्यादा खतरा किससे होता है, तो उसके अंदर ही रहने वाले लोगों से ज्यादा खतरा होता है। बाहर के तो बाद में परेशान करते हैं, इंटरनल फाइट्स, इंटरनल क्लैशेस जो होती है एक सिटी के अंदर, वो ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जो षड रिपु है आदि, उससे शरीर का नुकसान होता है, इससे हमें उससे दूर रहना है। और रथस्य एव रथीयथा, जिस प्रकार का एक रथ जो होता है उसको बाह्य गड्ढे वगैरह जो है उससे वो जल्दी परास्त हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक उसी तरह कुछ बाह्य हेतु भी है हमारे शरीर में। जो हम बाह्य आहार विहार आदि का सेवन करते हैं वो रथ के एग्जाम्पल से दिया हुआ है। तो हमें इन दोनों चीजों से बैलेंस करना है, षड रिपु को भी नहीं आने देना है लाइफ में, उसको हावी नहीं होने देना है, और बाह्य आहार विहार आदि चीजें भी है वो सही रखनी है, तो ही हमारा शरीर रूपी रथ या शरीर रूपी नगर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। ओके, तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट इस अध्याय में था। कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, सोनाली मैम को कुछ क्वेश्चन पूछना था वो पूछ सकती है, उसके बाद में फिर प्रियांशु मैम का देखेंगे। प्रियांशु आपका, यू आर यू सॉरी आई हैव गॉट योर नेम रॉन्ग, यू आर मेल फीमेल? ये सुनाइए ना, आप पूछे तब तक। जी सर, सूत्र नंबर 11 में दिया है कि मतलब जो हम नित्य सेवन नहीं कर सकते ऐसे द्रव्यों के लिस्ट दी है, वहां पे भी यव आया है और नित्य सेवनीय में भी यव आया है, तो कैसे सर? 11 और 12 के सूत्र में यव नहीं है, यवक है, यवक यानी कि ओट, जिसको जई कहते हैं ना, जई। हाँ, तो यवक को नहीं खाना, आज जो फैट चला अच्छा वो आपने मुद्दा निकाला। ओट्स खाते हैं बहुत लोग फॉर गुड हेल्थ, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से गलत है, वो उसका अभ्यास नहीं करना है। अगर आपका अभ्यास करना ही है तो बार्ली का कीजिए, यव का कीजिए, यवक का नहीं। यस प्रियंशु मैम, सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए। ठीक है, आपने क्या बताया, पादाभ्यंग में स्टिम्युलेशन ऑफ कुरुचा एंड कुरुचशिर मर्म, वेरी नाइस। उस तरीके से पादाभ्यंग करने से जब हम कुरुच और कुरुचशिर मर्म को स्टिम्युलेट करते हैं तो आलोचक पित्ती का मेंटेनेंस होने में मदद होती है। पादाभ्यंग एंड चक्षु का कैसे रिलेशन है साइंटिफिकली, इसका रिसर्च पेपर मैंने पिछली बार भेजा था, इस बार फिर से भेजता हूँ कि उससे क्या क्या होता है, किस प्रकार से इंटरनल जो क्या कहते हैं वेन्स आर्टरीज कैपिलरी का जो रीजन है वो किस प्रकार से स्टिम्युलेट होता है उधर का, और उसका पूरा इम्पैक्ट चक्षु पर कैसे गिरता है, वो पूरा रिसर्च पेपर में दिया हुआ है। आई विल सेंड इट टुडे, अगर नहीं भूल गया इन केस तो प्लीज मुझे रिमाइंडर दे देना। ओट्स किसका बनता है मुझे भी नहीं पता, देखना होगा एग्जैक्टली क्या करते हैं ओट्स में, कैसे बनाते हैं दही को, उसका क्या फॉर्मुलेशन है। बिल्कुल, पादाभ्यंग से तल हृदय भी स्टिमुलेट होता ही है, अगर आप उसको ठीक पॉइंट को, जो सेंटर ऑफ द फुट है उसको अगर आप प्रेस करो तो वो तल हृदय ही है। वेरी नाइस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए। जिसको पाद दाह होता है उसमें कैसे पादाभ्यंग कर सकते हैं, अबे अगेन पाद दाह की संपत्ति कैसी है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर आपको बाह्य लोकल दाह करना है तो सिंपल चीज आप यूज करके देखिए, कैलाश जीवन लेना है, थोड़ा थोड़ा सा घृत लेना है और थोड़ा सा एलोवेरा का गुद्दा लेना है, और इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और उसको पैरों को आपको लगाना है, और ऊपर से थोड़ी कांसे की कटोरी है उससे आप घिस सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इस प्रकार का करने से लोकल के पित्त की वजह से यदि दाह हो रहा है वहां पर तो वो कम हो जाता है, नहीं होता है उसकी वजह से तो समझना संप्राप्ति कोई दूसरी है। ओके, डायबिटिक जो पेशेंट में जो होता है उसके लिए उसका रीजन दूसरा होता है, उसको आपको संप्राप्ति भेद करने के लिए अंदर से धन्वंतर घृत आदि जैसी चीजें देनी होती है, बाह्य इससे सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलता है, ठीक
ठीक से नहीं होता है वो कवर, उनमें न्यूरोपैथी हो जाती है आगे आगे जाकर। वो न्यूरोपैथी के लिए एक स्नेहा ही जरूरी है। धन्वंतर ग्रुप जो प्रमेय अधिकार में आया, उसका सेवन या उसका भी आप पादप भंग कर सकते हैं, धन्वंतर ग्रुप का या धन्वंतर तेल का। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द संप्राप्ति हैज हैपेंड। इंटरनली घृतपान ज्यादा जरूरी है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। एक 2 चम्मच धन्वंतर घृत दोनों खाने के पहले उनको देना है। आयसकृति करके एक लिक्विड आता है, उसमें मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। हाँ, शिरो पीचू का अगेन इट इज इम्पोर्टेंट क्रम दिया है चरक सूत्र 5 में। सॉरी, क्रम दिया है मूर्ध तेल 119 अष्टांग संग्रह में, जिसको बताया है अभ्यंग परिचय पीचू शिरोबस्ती है उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, यानी कि पीचू या अभ्यंग से भी श्रेष्ठ है। तो यदि आप रोज शिरो शिरो पीचू करते हैं तो उससे भी बहुत सारा फायदा आपको होगा। एक सिर्फ वॉश पीस लेना है, उसको तेल में डुबो के रखना है और लगा देना है वहां पर, और थोड़ा सा बांध के रखना है शिरो रात में सोते वक्त। यस, होपफुली वही सीक्वेंस फॉलो करना है। वाकभट का सीक्वेंस अलग है, वाकभट का सीक्वेंस भी इंटरेस्टिंग है, वो देखना बाद में। चरक का सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं भी किया तो भी कुछ कुछ चीजें आप सीक्वेंस को ब्रेक करके भी कर सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी कि जो सीक्वेंस से भी करना है। यस, अनफॉर्चुनेटली द मीटिंग इज गोइंग टू एंड हियर। होप यू हैव गॉट समथिंग वंडरफुल इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बाकी क्वेश्चंस प्लीज ग्रुप पे पूछिएगा, एंड स्टे मोटिवेटेड always, and keep learning, keep spreading the good knowledge that you have. Thank you.